माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर फ्रॉम कर रांची। तो गाइज, आज हम लोग आए हैं लालू खेत बर्ड्स मार्केट में, और मुझे यहाँ आना नहीं था बट मैं आपके लिए आया हूँ यहाँ पे ताकि लालू खेत मार्केट को कवर कर सकें। वाइब्स देख रहे हैं आप, वाइब्स देख रहे हैं, क्या कारोबार चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है वो रोजी रोटी चल रही है सबकी, माशाल्लाह से बहुत हाई बिजनेस है। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। हाय गाइज, यू आर वॉचिंग माई चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ। तो गाइज, आज मैं आपको केजेस वगैरह दिखाऊंगा यहाँ पे शॉप पे, किस तरह से बनाए जाते हैं। और क्या नाम है आपके केज का? फाइव स्टार केज हैं यहाँ पर, और जाहिद साहब हैं ये केज बनाते हैं। मुझे इनकी डीलिंग बहुत पसंद आई, बेसिकली मुझे कॉन्टेंट चाहिए था तो यहाँ पर मैं मार्केट में घूमा। कोई लोग बात कर रहे हैं ठीक से, कुछ लोग नहीं कर रहे, सब अच्छे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे रिस्पेक्ट फील हुई। हालांकि मैंने ख़रीदने नहीं है यहाँ पे, लेकिन इनकी डीलिंग इतनी अच्छी थी कि फिर मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हो गया। अब भाई से पूछते हैं कि ये पिंजरे कैसे बना रहे हैं, इनके साइज़ जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। आ जाए, हम ज़रा आपको दिखाते हैं। पहले मैं आपको इनका कारखाना दिखा देता हूँ, पहले कारखाना दिखा दें। आ जाएँ आप आगे गाइस, पहले कारखाना दिखा देते हैं इनका। नाम क्या है भाई आपका? कमाल नाम है। कमाल, कमाल नाम है, ठीक है। तो गाइज़, ये कारखाना है इनका जहाँ पे काम होता है, दुकान के पीछे ही पूरा हिस्सा है सारा का सारा। आप यहीं से बनाइएगा, मैं आ रहा हूँ, इधर आ जाएं जी। भाई नाम क्या है आपका? कमाल नाम है मेरा। अच्छा, ये स्मार्ट मशीन वगैरह लगी हुई है आपके सामने, यहीं पर आपका जो भी साइज़ होगा ना जी, जी। वे उसी साइज़ के ऊपर हम काम करेंगे। अच्छा, जो आप साइज़ बताएंगे उसी साइज़ के ऊपर हम काम करके देते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये हमारा कारखाना है, जिस तरह का साइज़ आप बताएंगे ये उसी साइज़ पे काम करेंगे, जो आप इनको डिज़ाइन देंगे ये डिज़ाइन भी कर देंगे। वैसे इनके पास रैंडम कुछ केजेस हैं जो इनका मॉडल्स हैं अपने, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बट ये ऑर्डर पर भी बना देते हैं। मतलब आपकी जगह कितनी बड़ी है या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से भी ऑर्डर पर भी बना देते हैं। और कुछ इनके पास मॉडल्स ऑलरेडी रखे हुए हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे यार बहुत पसंद आया, वो बहुत अच्छे लगे। तो आइए मैं आपको ज़रा वो वाले केजेस भी दिखा दूँ। भाई रेडी हैं केजेस? बिल्कुल रेडी हैं हमारे पास। अच्छा, आप साइज़ भी बता दीजिएगा। सही है, साइज़ भी बता दीजिएगा, कौन सा वाला? ये डेढ़ बाई डेढ़ किला है। अच्छा, सही। अच्छा, ये जो है ये कितने का है? डेढ़ बाई, ये पड़ेगा 11,500 रुपये का। अच्छा, ये 11,000 रुपये का साइज़ क्या है इसका? डेढ़ बाई डेढ़, और डिप जो है ना इसकी 2.5 फीट है। अच्छा ठीक, हाँ 2.5 फीट इसकी डिप है, और ये 1.5 फीट इसकी हाइट है, और डिप जो है ना इसकी 2.5 फीट है। सही है, ये भी 4 खानों में, ये पड़ेगा 13,500 रुपये का। 13,500। फिर ये वही साइज़ है, डेढ़ बाई डेढ़, खाली कलर का फर्क है, ये भी 13,500 रुपये का पड़ेगा। अच्छा, ये इसका साइज़ क्या है? ये वाला है 2x2 का साइज़ है, ये 8 खाने में बना हुआ है, ये 8 खाने, ये आपको पड़ेगा 18,000 रुपये का। 5 स्टार हमारा अपना जो ब्रांड होता है ना, बिल्कुल बेहतरीन चीज़ बनी हुई। अच्छा, ये बताएं कि गेज का क्या हिसाब किताब होता है, कौन सा गेज लगाते हैं आप? 16 गेज का वायर लगा हुआ है इसके अंदर, पूरे 16 गेज के ऊपर हम लोग काम करते हैं, जो वायर हम आपको दिखाएंगे उसी वायर के ऊपर ही काम कर देते हैं हम लोग। और सपोर्ट कितने गेज की होती है, जो एंगल होती है? जो होती है 10 गेज की भी होती है, 8 गेज की भी होती है, इसके अंदर ये लगी हुई है ना सपोर्ट है, ये 8 का वायर लगा हुआ है इसके अंदर। तो ये सपोर्ट जो है कीमत के हिसाब से होती है? नहीं, अब केजेस जो है ना, हम लोग जो ना माल समझ ही नहीं, आपने जो साइज़ दिया ना साइज़ के ऊपर हम लोग काम कर देते हैं, ये हमारे फिक्स प्राइस हुए हुए होते हैं। सही। अच्छा, मुझे जो इनके केजेस पसंद आए ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे कौन सा केज अच्छा लगा ये ज़रा दिखाइएगा। देखें, इसमें बॉक्स भी लगा हुआ है, बॉक्स के लिए भी अलग से जगह मौजूद है, देख सकते हैं आप। और पीछे होके थोड़ा सा पीछे से दिखाएं, हाँ। अच्छा देखें गाइस, बात पता है क्या है, इसको दिखाएं पूरा का पूरा। गाइस, बात यह है कि आप बॉक्स अगर बाहर से लगाते हैं तो बाहर से लगाने पे क्या होता है कि पिंजरे की लाइन जो है ना वो आउट हो रही होती है। अगर आप मिसाल के तौर पे काम कर रहे हैं, बर्ड को दाना पानी डाल रहे हैं, ठीक है, डालने के बाद अगर आप उठते हैं ज़रा सा भी पीछे होंगे तो जो बॉक्स बाहर निकला हुआ होगा उस पर वो लगती है, आपकी ना कमर टच होती है या आपका हाथ लग जाता है कभी कभार, या जाते हुए जो है ना ये जगह टच होती है। तो बॉक्स बेसिकली स्टैंडर्ड जो ब्रीडिंग स्टाइल है वो ऐसे है कि बॉक्स हमेशा केज के अंदर रहना चाहिए। वो तो हम देखें, बॉक्स केज के अंदर होने का मकसद ये नहीं है कि आपकी हैंडलिंग जो है वो मुश्किल होगी, हैंडलिंग बहुत आसान है, बॉक्स कहने को केज के अंदर है, बट ये देखें किस तरह से खोलते हैं इसको, ये देखें किस तरह से खोल रहे हैं ये।
ये देखें इस तरह से आपकी हैंडलिंग है, यहाँ से आप हैंडलिंग करने के बाद बंद करके वापस एज इट इज़ इसको दबा कर इस तरह से बंद कर देते हैं। ये पूरा केस दिखा दें ज़रा अच्छे से, साइज़ इसका पूरा साइज़ दिखा दें इसका। बॉक्स इसके अंदर ही है, ये बिल्कुल टोटली यूरोपियन साइज़ है जो बर्ड ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा वैसे जो इम्पोर्टेड केजेस हैं वो इनके पास अभी नहीं है, ये वाले जो हैं ये ख़ुद बनाते हैं। ये इम्पोर्टेड के लिए कभी और वीडियो बनाऊंगा, जो आप मेरी वीडियोस में देखते हैं कि इम्पोर्टेड केजेस हैं या लकड़ी के हैं या फैंसी केजेस हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। बट अभी आज के लिए मैं आपको ये केजेस के साइज़ दिखा रहा हूँ, इसी तरह आप आगे आ जाएं। अच्छा ये किसके लिए? ये फ्लाइंग केज है, ये के लिए इस्तेमाल में आता है, पहाड़ी की ब्रीडिंग वगैरह करवानी हो मेरे काम में आती है। सही सही। और अपना ग्रे पैरेट वगैरह भी रख सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा मकाओ के लिए छोटा रहिएगा, मकाओ नहीं है। अच्छा अच्छा, इसमें जो है वो ग्रे पैरेट वगैरह, कॉकाटू, ग्रे पैरेट या सन कनौर वगैरह आप रख सकते हैं। और इसकी प्राइस क्या है? ये 7,000 रुपये का डब्बा है। ये 7,000 रुपये का है और इसकी लेंथ और साइज़ और वेट और अच्छा इसकी छत, ये फोल्डिंग केज है बेसिकली और इसके तार बहुत मोटे हैं, तार बहुत मोटे हैं। ये इसका दाना पानी करने के लिए बहुत ही इजी टू रन है, ये यानी कि बहुत इजी टू हैंडल है इसको। यहाँ से कुंडी लग जाती है इसकी, बंद होने के बाद इसको ऐसे बंद कर लेते हैं और प्रॉपर इसका जो है ना काम बहुत आसान है इसका, यानी इसकी हैंडलिंग बहुत आसान है। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये तार जो है गैल्वेनाइज का क्या मतलब होता है? गैल्वेनाइज पे नहीं है, ये कंपनी वायर पे बना हुआ है। लेकिन गैल्वेनाइज का मतलब क्या होता है? ये लोग कहते हैं ना गैल्वेनाइज है, ये है, यूँ है, गैल्वेनाइज लोग कहते हैं, लेकिन गैल्वेनाइज में जो ना वो गलता नहीं, रंगाल वगैरह नहीं आता है। अच्छा अच्छा, ये मुझे बताएं कि लोग जैसे मुझे अगर क्वालिटी पहचाननी है केज की तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा? क्वालिटी नए बंदे को पता कैसे चलेगा केज सही है या नहीं? नए बंदे को कैसे पता चलेगा? चीज़ दिखने में पता चल जाती है। अच्छा महसूस हो जाएगी क्या उसके? सही सही वगैरह आपको काम की नज़र आएगी। सही। अच्छा गाइज मैं आपको एक और टिप दे रहा हूँ कि जब भी आप केज लें तो आपकी उंगली जो है वो तारों के बीच में से अंदर नहीं जानी चाहिए। देख रहे हैं आप, नहीं जा रही, क्योंकि अगर आपकी उंगली तारों को एक क्रॉस कर जाती है तो वो पिंजरा ठीक नहीं है। आप देखें इसमें मेरी उंगली अंदर नहीं जा रही, तो ये निशानी होती है केज की क्वालिटी चेक करने के लिए। उसके बाद जो है वो गेज होता है कि एंगल कितना मोटा है, बाकी तारें कितनी मोटी हैं। अगर एंगल भी उसी तार का बना हुआ है जो तार बीच में है तो फिर वो केज ज़ाहिर है थोड़ा बहुत क्वालिटी में लो माना जाता है। ठीक है आइए बाहर, आपको कुछ और केजेस भी दिखाते हैं। अच्छा ये कॉलोनी केज है क्या? ये कॉलोनी केज बना हुआ है, ये 2 फीट बाय 4 फीट का बना हुआ है। ये एक डब्बा जो है ना, एक डब्बा इसका 10,000 रुपये का है। अगर 2 डब्बे अगर लोगे वो 20,000 रुपये का। हाँ और ये पूरा 16 की वायर में बना हुआ है। गेज कितना इस्तेमाल हुआ हुआ है? 4 की सपोर्टें चल रही हैं इसकी साइडों की, उसके अलावा 8 के वायर की बीच के अंदर सपोर्टें चल रही हैं। अच्छा और ये प्लास्टिक के जो प्याले हैं कौन से इस्तेमाल करते हैं आप लोग? ये पाइप इतना हमारा अपना बर्तन है। अच्छा बर्तन दिखाइएगा सर। अच्छा ये बर्तन जो है वो इनका अपना केज के साथ ही तैयार होता है, काफ़ी हार्ड है ये। 5 स्टार के केजेस हैं, 5 स्टार का ही सारा आइटम है। और ये प्याला जो है बहुत हार्ड है, ये जो प्याला है ये बहुत हार्ड है, क्योंकि इसको जो है ना लवबर्ड भी जो है तोड़ नहीं सकते चोंच से अपनी, बहुत हार्ड है ये। अच्छी क्वालिटी का 5 स्टार का, ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ट्रे आप किस तरह बनाते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है केज में। जब भी आप केज चेक करेंगे तो ट्रे क्या किस तरह बनाते हैं आप लोग? कितने गेज मतलब ऑर्डर के हिसाब से? हमारा जो गेज होता है ना 26 गेज होता है कम से कम, 26 गेज की ट्रे होती है। इससे मोटी अगर कोई बनवाना चाहे, इससे मोटी अगर बनवाना चाहे तो बना देते, कोई मसला नहीं है। अच्छा ट्रे जो है वो गहरी होनी चाहिए कम से कम 1.5 इंच ताकि कचरा बाहर ना आए। हमारी ये ट्रे बहुत पतली है, इससे कचरा जो है उड़ के बाहर आएगा। इसके इससे क्या क्या कहेंगे इसके बारे में आप? इसके बारे में क्या होना चाहिए? नहीं ये इतनी होती है, इससे ज़्यादा का गैप कर देते हैं ना पिंजरे का साइज़ ऑलरेडी और बढ़ जाता है। हाँ ना 1.5 इंच का हम अगर इसकी अगर डीप रखेंगे ना साइड की कॉलर तो तकरीबन यहाँ से हमारा साइज़ खुल जाएगा। फिर ये हमने जो रखा हुआ है ना अभी साइज़, ये बिल्कुल बेहतरीन साइज़ है। अच्छा गाइस देखें इन्होंने इतना अच्छा डील किया है चीज़ों को। देखें केजेस तो सब लोग बना रहे हैं, ऐसे केजेस जो हैं वो आपको हर जगह से मिल जाएंगे, बट बात होती है डीलिंग की। ठीक है कि आप लोगों से कैसे बात कर रहे हैं, आपको तरीका पता है कि नहीं पता बात करने का, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी केज तो हर कोई बना रहा है इस मार्केट में, और भी लोग आपको बना कर दे देते हैं। हर बंदा हर काम जानता है, सिर्फ बात कहाँ पे आके रुकती है, आपके बात करने के तरीके पे। तो डील मेरी सबसे यही दरख्वास्त होती है, जो भी आपके पास केज लेने आता है उसके साथ अच्छे से बात करें, डील अच्छे से करें।
क्योंकि जो आदमी ख़रीदने आ रहा है वो ख़रीदेगा ही तब जब उसको समझ में आएगी, ठीक है। बाकी क्वालिटी आपको हर जगह से मिल जाती है, ये भी अच्छे बना रहे हैं, दूसरे लोग भी अच्छे बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा ख़राब बना रहा है यही सही बना रहे हैं। कस्टमर हमेशा डीलिंग पे आता है, याद रखें कस्टमर को जो चीज़ लाती है वो आदमी लेकर आता है कस्टमर को। आप अगर ये समझ रहे हैं कि केज से आपके केज बनाने से आपके केज बिक जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तकरीबन 5-10 दुकानों पे गया, सब अच्छे केज बना रहे थे, ये सेम क्वालिटी है, ठीक है, ये भी वही बना रहे हैं, वो भी वही बना रहे हैं। बात कहाँ आ रही है, बात करने के तरीके पे। आप अगर किसी को फुली इंटरटेन नहीं करते, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं बस ये यार लेना है तो लो वरना जाओ, ये जो जाओ वाला जो एटीट्यूड है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही चलता है, बाकी मुल्कों में कस्टमर को समझा जाता है कि यार ये कस्टमर है। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। बेचने वाले जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखें और ख़रीदने वाले जो हैं वो अपना ख्याल रखें। तो मेरी वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। अच्छा आपको मैं नंबर दे दूं पहले इनका, अच्छा ये नंबर बताएंगे आपको, आप डिस्प्ले वहीं का रखें, डिस्प्ले वहीं का ही रख दें, नंबर बताएंगे आपको। अच्छा नंबर नहीं नहीं बना लें, फुटेज बना लें, नहीं 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 ये अच्छा ये देखें थोड़ा सा जो है ना बस शर्मा रहे हैं। अच्छा नंबर बता दें, नंबर बताएं। 1203123530331। अच्छा नाम बता दें आप। जाहिद बेग। अच्छा।